पूरे समाज के लिए भी जो हमारा चिंतन है उस चिंतन में कि अगर उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान 5S हम लेकर के चल रहे हैं, उसमें स्वावलंबन की जैसे बात आई, स्वावलंबन में प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, अर्थात हम उसी को स्वदेशी कहते हैं कि लोकल की जो चीज है वो हमारी बननी चाहिए, उसके अंदर हम ट्रेनिंग सबको दे रहे हैं, व्यवस्थाएं दे रहे हैं और उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था ये भी हम कर रहे हैं ताकि नौजवान हमारा कुछ प्रोड्यूस करता है तो उसकी प्रोडक्शन का, उसकी जो मार्केटिंग अगर नहीं होगी तो फेल हो जाएगा। तो मार्केटिंग के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सुविधाएं दे रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर मैं कह सकता हूं कि हमने लगभग 5 लाख लोगों को, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट उद्योग में नौकरी हो, स्वरोजगार के अवसर हो, ये हमने प्रदान कराए हैं। जहां तक सरकारी नौकरी का विषय है, एक बड़ा जिसको कहना चाहिए कि हमारे यहाँ कैंसर का रोग हरियाणा के अंदर, वो भ्रष्टाचार का सरकारी सिस्टम में सब जगह हम लोग देखते थे, उस पर चोट मारनी शुरू की है। तो सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जाए, बिना पर्ची खर्ची के दी जाए, लगभग 85,000 नौजवानों को बिना किसी पैसा खर्च किए हमने नौकरी उनको दिलाई है। हरियाणा में एक वातावरण बना है कि सरकार के समय, अब वो जो पहले चलता था कि या तो पिताजी को जमीन बेचने के लिए कहा जाता था या अपनी माँ को अपने जो छोटा मोटा कोई उसका आभूषण होता था उसको बेच करके पैसे लाके और नौकरी खरीदने की बात आती थी, उन चीजों से हमने उसको बाहर निकाला है। ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से व्यवस्थाएं परिवर्तन करने के हमने काम किए हैं, सिस्टम चेंज करने के काम किए हैं कि व्यक्ति को जो सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं, योजनाएं, उनका लाभ घर बैठे कैसे मिले, तो इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार उद्योग में यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ये कैसे कम हो, इसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हरियाणा सरकार की ओर से जिस प्रकार की सब ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, निश्चित रूप से इस प्रदेश को उसका लाभ होने वाला है।